किसी ने मेरे को तो लव यू नहीं बोला, नानू से प्यार करते हो, जलोगड़ी इवी चल गई, वाओ। गाइस 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 आई हैव अ गॉसिप। आज का काम लेके लिए आप लोगों ने। जब मैं आई थी रचा के साथ तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट, और जब आप काम के सिलसिले में आते हैं तो वो अलग होता है। तो कुछ लोगों की शक्ल आपको पहचान में आई होगी, आई तो मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना कि एक्चुअली आपने किसको किसको पहचाना। हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि हम यहाँ पे किस किस के साथ हैं, बट आई गेस आपको भी पता होना चाहिए। अगर आप टीवी सीरियल्स वाले हो तो आई गेस बहुत अच्छे से पता होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू एवी शर्मास व्लॉग। तो आज का व्लॉग हो रहा है स्टार्ट यहाँ से, मतलब हम जा रहे हैं कहीं पे किसी काम से,
और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे बाइक राइड से। और गाइस हेलमेट नहीं लगा है, नो क्यों, हम अपनी गली में ही हैं अभी, आसपास मेन रोड पे नहीं जा रहे हैं। हम मेन रोड पे भी नहीं जा रहे हैं, हम काम से जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, घर तो आ चुके हैं ऑफिस से, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको अभी आगे दिख जाएगा। लेट्स गो। तो मैं गई थी पहले वैक्स कराने, जो हमने नहीं दिखाया, ऑफकोर्स वो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग टैटू का सोच रहे हैं, आज बनवाने नहीं आए हैं, बट हम कुछ डिज़ाइंस का देख रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं कि हमें बात कर लें उनसे और कितने में होगा, फिर जब भी हम फ्री होंगे तो हम उनसे ना जाएंगे, क्योंकि अभी घर जाना ज़रूरी है। तो हम आए यहाँ पे, गाइस ये देखो इसके टैटू बनने के पहले इसको चिपका दिया गया। चिपका दिया, टैटू चिपका दिया है को। अब इसको चिपका देंगे गाइस। टैटू हम आए थे एक्चुअली इसे कंसल्ट करने, लेकिन वी आर सो कन्विंस्ड कि हम बैठ चुके हैं टैटू बनवाने के लिए। चल ले पकड़, फिर मैं आता हूँ कार से। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रहा हूँ काम से लेने। कहीं से पता नहीं क्या लेने जा रही है। कंसल फॉर्म फिल करा ले गया, देखो हम आए थे कंसल्ट करने, से आपको बता दिया टैटू करवाने बैठ गए यहाँ पे, इन्होंने मेरे को ऑलरेडी यहाँ से शेव कर दिया, इन्होंने भी पकड़ लिया कि भैया ना हम तो आज हमको टैटू करवा के ही भेजेंगे। नहीं ऐसे इन्होंने ऑप्शन दिया था हमें, दिया था, पर इसका है ना ये लड़की देखो गाइस बात सिर्फ इतनी है कि इतने टाइम से ये मेरे को बोल रही है बनवाने 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 बनवाने, तो इट्स लाइक ठीक है अब आए तो बनवा ही लो। एंड बात ये है कि ही इज एक्चुअली वेरी डैम गुड प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट, जो कि फर्स्ट की मेरे और ऑस्कर के फ्रेंड है। गाइस ये हो चुका है मैडम के लिए एग्जैक्ट सेटअप। यस यस प्लीज, इसका ब्लॉग बढ़ाना पड़ जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, गाने बंद करा दे, गाने बंद करा दे क्या? अरे पूरे ब्लॉग में फिर अगर यही खत्म हो जाएगा तो वही ना। हाँ ये क्या हो रहा है इसके साथ भाई, देखो वहाँ पे इसकी शक्ल दिख रही है, ये यहाँ पे शक्ल दिख रही है इसकी, ये ऐसी शक्ल बना के खड़ी हुई है। सेटिंग फ्रेशनिंग दिस अप, हम लोग मशीन को सब चीज को रैप करते हैं फ्रेश हाइजीन होने के हिसाब से। Apart from that, obviously you have to make sure that the needle is fresh. But apart from the needle is new, इसके ऊपर expiry date होता है, वो एक check करना चाहिए। और some good brands also have this dot. The blue dot. Blue dot. So it can be a blue, it can be any color, lighter color. But if it's red or something, that means because see this is needle made of metal, जंग लग सकता है, because of whatever. So it's sealed tank, but always check for such small things. Okay. And blue indicates what? Blue indicates another problem. Okay. It's not oxidized. And red होते तो? Red होगा तो oxidized होगा. Mm-hmm. Because sometimes what happens, it's not expired, but it's still because of moisture कोई leak हो गया तो जरा भी जंग लग जाता है ना उसके ऊपर इसके लिए. So such small things you have to take care of. Also not to mention you always make sure that the tattoo artist, like when I was touching you, I was wearing gloves, like this in the area. You got to hygiene check करना चाहिए सब जगह. गाड़ी हमने सब चेक कर लिया है. उन्होंने हमें सामने से चेक करवाया है। करा ले कब हमें तो आईडिया नहीं था गाइस। मतलब मेरे को इतना आईडिया वैसे भी नहीं है। सो यहां पे स्टार्ट हो चुकी है तैयारियां। हम सोचते कब इसका कलर से जाएंगे, मतलब इंजी आ जाएगा। इतना मुझे पता है पारुल भी लेती है अभी। हां पारुल ने लेते मैं सही करने के लिए। इवन द गाइस ये सब आपके लिए ठीक है, आप भी जब टैटू बनवाने जाओ तो ये सारी चीजें चेक कर लेना। हालांकि अभी कोई करता नहीं वैसे, बट स्टिल ऑलवेज बी सेफर साइड, लाइक इवन द मशीन हैज बी रैप्ड बिकॉज़ वी डोंट वी रीयूज देम। तो मतलब कोई ब्लड स्पैटर होता है ऑलवेज एक प्लास्टिक भी लगा के रखा है, पूरा सील करके रखा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। तो वो जो नीचे जू बीच पे ऐसा नीचे रख के बनाते हैं उनको
तो मैं ये वहाँ पे हाइजीन चेक कर सकते हैं। पालिका बाजार में होता है ना, नीचे अंडरग्राउंड में हर दूसरा बंदा टैटू बना रहा होता है, तो वहाँ तो स्पेशली चेक करना चाहिए ये चीज, क्योंकि वहाँ पे हर दूसरा बंदा टैटू यही बना रहा है भाई। आई डोंट नो क्या इतना कैसे बनाते हैं टैटू लोग। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम क्या रेडी स्टडी फॉर ये तो मसाज चेयर होगी, हम पूरा का पूरा टैटू नहीं दिखाएंगे अभी, क्या बन रहा है। तो मैं ऐसे लग रही हूँ यहाँ पे, अब यहाँ टैटू बनना स्टार्ट हो चुका है मेरा, तो मैं ज़्यादा बात कर नहीं करूँगी। ओके बाय। बन रहा है कुछ तो गाइस, माय टैटू इज ऑलमोस्ट डन, बट अभी लाइक के लिए कुछ होना चाहिए उसमें कुछ चीज़ें अभी होनी है बाकी, तो वो हो रही है। और नानू अकेले अकेले लाइव चले गए, आई नो आपने मुझे मिस किया, मैंने सबके कमेंट्स पर नानू बोल रही थी तो मुझे सब सुनाई दे रहा था। एंड आई मिस यू टू गाइस, तो हम मिलेंगे कल लाइव, मतलब जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो उस दिन लाइव आ जाएंगे हम, बीच में आपको बता देंगे पहले टाइमिंग, हाँ टाइमिंग बता देंगे, क्योंकि मैंने तभी मिस किया। और मैंने सुना किसी ने बोला नानू को आई लव यू, और किसी ने बोला पति देव, आज फायदा उठाया जा रहा था, ये भी नहीं थी तो बेड़ा कोई बात नहीं। वैसे मौका था आज आप लोगों के पास फ्लर्ट करने का नानू से, बट आप लोगों ने ज्यादा उठाया नहीं उसका वायदा, वो डायरेक्ट बाय बोल के निकल ली। नहीं आनेगा कोई, किसी ने मजा नहीं लिया सर से। मेरे को समझ आ गया, मतलब हम दोनों साथ में होते हैं ना तभी हम लोगों को अच्छा लगता है, ये तो फॉर श्योर है। तो इसलिए तो मैंने भी बंद कर दिया, तो उसको भी मजा नहीं आता। लोगों ने बता भी दिया कि एक्चुअली तू करा क्या रही है। गाइस इसका मतलब ये कि आप लोग मेरे को कितने ध्यान से सुनते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने व्लॉग्स में ये चीजें बताई हुई है कि मुझे ये कराना है, और इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था बस। और मुझे भूख भी लग गई लेते लेते, मुझे भी लग रही यहाँ से कौन खाना खा। गाइस मेरा मुंह देखो कहाँ है, दिस इज क्वाइट फनी। ओके बाय गाइस, कल के पूरे ब्लॉग में मैं थी। फाइनली इट्स डन, वी कैन सी, मैं देख लिया हाथ में बनाया तूने, देख लिया मैंने गाइस, फाइनली इट्स डन। ओके ये तो जो है वो आपने शायद देख लिया होगा इंस्टाग्राम के रील्स पे, हमारे खास टैटू आए इतने सारे, बट ये टैटू देख देख कैसा हो गया कि हम एक्चुअली पूछने आए गए थे यहाँ पे, और मेरा जो टैटू है वो हो चुका है डन। अब आपको बताने की कैसा लग रहा है, मैंने जो करवाया है मुझे तो प्यारा लग रहा है, और उसका मतलब क्या है वो आराम से मैं घर जाके बताऊंगी, क्योंकि मेरे हर एक टैटू के पीछे एक स्टोरी है, और हर एक में वो जो चीज़ें हुई हैं वो हो रही हैं, और टैटू बनवाया वो चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है। ओह माय गॉड, तभी आए हैं जब वो शेयर सारे स्टार्ट हुई है, ये भी एक रीजन की वजह से आया था, उसके बाद से आई एम एक्चुअली फ्री बॉय, ये भी जिस वजह से आया था, जस्ट ट्रैवलिंग, और अब ये जो बनाया इसके लिए तो मैं हूँ ही, मतलब मैं और ज़्यादा अंदर वो चीज़ हो जाएगी जो भी है, तो एक्सप्लेन करिए घर जाके थोड़ा सा। अभी और यहाँ में मैंने एक रिव्यू बनाई है, वो भी आप देख लेना, और पता बारिश हो गई, आप अभी कोई तो लाइव में पूछ रहा था कि बारिश नहीं हो रही क्या उधर, बस कल भी बारिश होती है और आज भी बारिश हो गई, रीजन आप देखो एक दिन पहले ही रात को इतनी गंदी बारिश हुई थी, इतना थंडरिंग हो रही थी और इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। हमें भागना पड़ेगा अभी, हम बहुत दूर हैं घर से, बहुत दूर है, पूरे के पूरे 60 सेकंड एग्जैक्टली, तू 60 सेकंड काउंट कर, हम घर पहुंच जाएंगे। हां गाइस इतनी दूर है, हम 1 मिनट के लिए, दिस इज सो नियर बाय, आई एम सो हैप्पी कि अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक देखने में, मेरे को प्यारा लग रहा है। अभी तक का क्या मतलब है, मतलब मैं अभी पूरे ढंग से मैंने देखा नहीं ना कुछ देखने से, तो जब नानू ने अपनी फोटोज में दिखाई थी तो क्यूट थी, ये मेरा फाइनली एक अच्छा सा टैटू बनवाना था वो हो चुका है। ओके एक और बनवाना है बाकी, मैं ऑस्कर को कह रही हूँ तेरा भाई का टैटू आया, जब ऐसे लौंडेला पानी नहीं होते अपने छोरे एरियाज के, तेरा भाई के भाई का आँख पर टाड़ू आया गाइस, गाइस तेरा भाई के आँख पर टाटू है, और मेरा भाई ये रहा देखो, भाई को टैटू से मतलब ही नहीं है, भाई को प्ले करनी है बस, जिंदगी में क्या करनी है, खानी है, सोनी है, प्ले करनी है, जैन से लाइन होती है ना, ईट स्लीप एंड रिपीट, तो ऑस्कर का भी यही है, ईट स्लीप एंड प्ले एंड रिपीट, पहली पकड़ लेगा। तो गाइस टैटू बन चुका है, अच्छा बन चुका है। वाओ व्हाट अ टैटू, कजरा रे मणिकर्णिका, और नैना
टाइम नहीं थी तो हाँ कौन थी ये जरा अनुकल लव यू कह रही थी हाँ कौन थी ये बताओ बताओ जो थी नीचे कमेंट करके बताओ हिम्मत आ तो और फिर कुछ नहीं खुश रहूंगी नहीं बताओ गाइस कौन थी किसी ने मेरे को तो लव यू नहीं बोला नानू से प्यार करते हो जलोगड़ी ईवी जल्दी वाओ अब लोग बोलेंगे कि ईवी जल्दी देखो नानू को भी ज्यादा प्यार से बोलती तो ईवी जल्दी मतलब ईवी के मन में नानू के लिए कुछ है गाइस ये तो पहले से ही है आप क्या आप लेट समझो थोड़ा बस है ना भाई ओके 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 अपार्ट फ्रॉम ऑल दी स्टफ तो फाइनली टैटू आ चुका है और टैटू नानू अभी तक दिखाया तुमने पता नहीं आई गेस टैटू शायद अभी तक नहीं दिखाया है और अगर नहीं दिखाया तो दिख जाएगा और नहीं दिखा दिया तो आपने पहले देख लिया तो एक बार फिर से देख लेना तो पर अभी भी मैं रिवील नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं बैठूंगी थोड़ी देर भैया हम बारिश हो गई ऊपर से और भैया ने बोला कि गीली नहीं होनी चाहिए हम गए थे अब क्या करने क्या करवा के आ जाते हैं ये इस लड़की का है ये लड़की ना बोलती नहीं जा रही कुछ भी हम उनके सामने ना घूमनी सी हो जाएगी क्योंकि मुझे पता था बैठे तो मैं बनवा के उठूंगा भैया कह रहे कि आप एक देख लो ऐसा ही मैंने कहा वो पूरा इंतजाम सा कर रहा है सब कुछ मैंने पूछा मैंने पूछ तो ले भैया कह रहे आओ बैठो चेयर पे बैठो आओ बना देता हूँ मैंने कहा ये ले पहले हमने उनसे बात करी अच्छे से कि क्या है कैसे कैसे क्या लगेगा उन्होंने एक्चुअली मेरे बैक पे लगा के दिखाया पहले कि ऐसा दिखेगा ये तो मतलब समझ तो आ गया था और मुझे जो टैटू यही चाहिए था तो और मैंने सिर दर्द और पेट दर्द और ये सब कुछ हो रहा है फीवर वीवर तो थोड़ा सा नानू को भी रेस्ट करा देते बेचारी मेरी वजह से वहीं इतनी देर बैठी रही मैं बेची कुछ खाना भी खाते हैं तो उसने एक्चुअली जल्दी बना दिया नाइस एक्सपीरियंस वो भैया भी अच्छे लगे हमें बात करते करते उन्होंने टैटू बना दिया मेरा और मुझे ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ तो जो लोग बोझते हैं ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि पेन होता है तो ऐसा भी नहीं है पेन नहीं होता तुमको होता है इसको टैटू भी तो बिल्कुल नहीं होता बाकी जगह इसको पता थोड़ा सा भाई ठुक जाती है नहीं ऊ करने लग जाती है नहीं करती हो तुम करते हो कि नहीं करते हो करते हो तुम करते हो बाबू ऐसे मत देखो मुझे I am super excited to show my tattoos. What are you doing? तो गाइस नानू दिखा देगी आपको पहले मैं टैटू देख लूं फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी. This is the tattoo. अभी मैं इसका प्लास्टिक नहीं उतार सकते प्लास्टिक उतरेगा कल सुबह जब उतरेगा तो हम आपको और अच्छे से दिखा देंगे टिल देन ये यहीं तक है और नीचे एक एंड में डॉट है तो ये यहाँ पे एक्चुअली इसका ये रहा पूरा टैटू ये रहा ये लीजिए. सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा टैटू तो वैसे मैं बता दूँ जो बर्ड वाला टैटू ये तब बना था जब एक्चुअली मैं मुंबई मूव ऑन कर रही थी और उसके कुछ टाइम बाद मतलब तो कुछ टाइम बाद मुझे नानू मिल गई थी और तब से ही अब तक इट्स लाइक आई एम फ्री बर्ड. उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं किसी ना किसी लोगों की रिस्ट्रिक्शंस रही हैं मेरी लाइफ में तो उसके ये टैटू बनने के बाद आई वॉज लाइक ओके उसके कुछ थोड़े टाइम बाद मैं फ्री हो गई थी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में. फिर हमारा टैटू बना ये विच इज़ तो ये था कि हम दोनों का ट्रैवल द वर्ल्ड टुगेदर बट एज अ ये जो सिर्फ सिंगल फ्लाइट है तो फ्लाइट भी है कि मेरे जब से मुंबई में जॉब लगी है और दोनों टचवुड दोनों तीनों जो मेरी जॉब लगी हैं वो सारी जॉब ऐसी हैं कि भाई मैं ट्रैवल ही करती रहती हूँ भले ही बाहर आउट ऑफ कंट्री नहीं जा पा रही लेकिन इंडिया में मेरा ट्रैवल टचवुड तब से बहुत ज़्यादा हो गया है वरना मैं इतना ट्रैवल कभी नहीं करती थी. तो ये ट्रैवल वाला और ट्रैवलिंग किसको पसंद नहीं है तो मुझे पसंद भी है और ये जो टैटू बनवाया गया है तो ये इसका मतलब है कि लाइफ के ऑब्स्टिकल से निकल के फाइनली यू आर ऑन अ पाथ ऑफ फ्रीडम एनलाइटनमेंट का जहाँ पे भाई आपको क्या मतलब क्या बोलेंगे नानू उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वन द स्ट्रेंथ व्हिच यू ऑलरेडी व्हिच यू गॉट फ्रॉम ऑल फ्रॉम योर पास्ट फाइनली यू सक्सीड आपने मतलब इसका मतलब ऐसा है कि आपने अपने बचपन से लेके अभी तक के सारे ऑब्स्टिकल्स पास ऑन कर लिए हैं तो नाउ इट्स टाइम टू गेट ऑल योर स्ट्रेंथ टुगेदर एंड बी अ वेरी हैप्पी पर्सन इन पीस और व्हाटएवर ऐसा सब कुछ. तो गाइस और मुझे ऐसा लगता है मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं
जो कभी बैठेंगे तो बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं तो उनके आंसर्स भी देंगे। तो वो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ करा है और अब जाके फाइनली सो ना मेरी आंखें खुल गई। लाइफ में बहुत कुछ देखने के बाद आपको मतलब कुछ चीज़ें छोटी छोटी गलतियों से सीखने को मिलता है। एंड मेरे को शायद मेरी लाइफ में वैसे ही हुआ है कि जब मैंने गलतियाँ की उसके बाद भले ही कुछ टाइम बाद या फिर लॉन्ग टाइम बाद मुझे सीखने को मिला है, जब तक वो मेरे को रियलाइज़ नहीं होता, मेरे साथ होता नहीं, तब तक मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, और शायद आप लोगों के साथ भी होगा। तो फाइनली अब वो एक एज भी होती है ना, एज के साथ भी इंसान मैच्योर होता है आई गेस। तो होता है भाई, नहीं होते लोग जो एज के साथ मैच्योर नहीं होते, मैं नहीं होंगी तो ये नानू के लिए मैं कभी मैच्योर नहीं होंगी। भाई नानू जैसा मैच्योर तो मुझे होना, नानू जैसा मैच्योर नहीं, ये लड़की मैच्योर का है, चकल दिखा जरा मैच्योर वाली, मैच्योर ये देखिए तेरे ज्यादा अकल है। मैं अकल की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं चौड़ी की बात कर रही हूँ, मैं तेरे ज्यादा मैच्योर है मेरे अंदर। देखा गाइस, ये बात कट कट लड़ाई करवा लेंगे। मैं क्या कहती, मैं भूल गई, मैच्योरिटी आ गई है समय के साथ साथ, ये कह रहे थे तुम, मेरा तो ये गोला बना दिया उसने, गोले के हिसाब से मेरी जिंदगी ऐसे गोल गोल घूम रही है। मेरे साथ मेरे टाटू की चीजें हुई है, तेरे साथ तेरे टाटू क्या चीजें हुई है बताइयो जरा। मैं कहा बोला मेरे साथ कुछ हुई है, मैं तो तुम्हारी स्टोरी में अपनी गुजार रहा हूँ। और ये जो टैटू है ये हमारा वो स्टिकी वाला है स्टिकर, ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए लगाया गया है, अब ये पता नहीं होगा कि नहीं। ये क्योंकि इसके ऊपर वैक्स हो गई, शायद डार्क ना हो, क्योंकि आपने वैक्स करा के आई थी। और ऑस्कर से रिलेटेड टैटू गाइस जो मुझे बनाना है, ऑस्कर से रिलेटेड भी, तो वो भी शायद नेक्स्ट टैटू अब मेरा वही होगा जहाँ पे ऑस्कर की चीजें होंगी। अरे कोई नहीं, मेरा नाम लिखवा ले। सुने ना नानू, नानू लिखवा लू वो ना ना और नू ऐसे लिखवाऊंगी अलग अलग, सब समझ नहीं आएगा लोगों को, है ना, लिखवा लूँ ऐसा ना और नू, ए ना ए नू से ना से नू से ना से नू से नू 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 टिंग 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 टिंग। कोई मेरी क्या गाना है, कोई लैला कोई मजनू कोई छेला। देखा गाइस, गाना भी बन गया नानू पे, तो और क्या चाहिए, क्या चाहिए। गाइस 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 आई हैव अ गॉसिप, गाइस गाइस आई हैव अ गॉसिप, तो फिर मैं बता रहा हूँ, हम एक बात करते हैं, इसको नहीं बताओगे, आओ आज आज किसी को रोस्ट करें, उधर हुए थोड़ा सा, मतलब रोस्ट नहीं करना है, ऐसी भी बातें करनी है कि सब लोगों ने अरमान मलिक को सब जानते हैं, पायल मलिक को सब जानते हैं, कृतिका मलिक को सब जानते हैं कि अरमान मलिक की 2 वाइफ हैं कृतिका और पायल मलिक। तो शायद आई डोंट नो आप लोग जानते हैं नहीं, आपने देखा है कि नहीं, ऐसे ही और भी कपल्स हैं जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालते हैं अपनी वाइफ के साथ, जिनकी 2-2 बीवियाँ हैं। पहले तो मुझे 2 बीवी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया आज तक, क्यों है, और चलो लड़के तो रख रहे हैं, लड़कियाँ भी रह रही हैं, इनका भी अलग लॉजिक है, चलो भैया उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपस में सब मिल बांट के रह रहे हैं, शेयरिंग इज केयरिंग वाला ज़्यादा ही पढ़ा उन्होंने। तो ये तो है, बट अभी अभी एक और मतलब अभी शायद 5-1 हफ्ते से समझ लो 5 दिन से एक कपल है, सनी नाम है उनका, सनी सिंह और उनकी 2 वाइफ हैं रूपा और मानसी, रूप और मानसी। तो भाई वो सनी की भी 2 बीवियाँ हैं, 2 बीवों वाला वो भी अपने कंटेंट डाल रहे थे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, 2-3 चैनल खोले मैं तो अभी रिसेंटली, मेरे को ऐसे स्क्रॉल करते हुए मैंने बीच में उनको देखा था, मुझे दिखे थे, और अभी मुझे रिसेंटली मैंने देखा कि भाई वो बंदे ने अपने 2 बीवी को छोड़ के 3री के पास चला गया है, अब वो 2 बीवियाँ वो कंटेंट डाल रही हैं बना बना के घर से रोते रोते से, उन्होंने एक पॉडकास्ट भी किसी के साथ किसी के चैनल पर दिया है कि भाई हमारा पति छोड़ के चला गया हमें, और उधर पति अपना चैनल पे अपने 3री बंदी के साथ दिखा रहा है, और वो लड़की भी बोल रही है जो 3री वाली है, वो बोल रही है, हीर नाम है उसका, वो बोल रही है कि सनी मुझसे प्यार करते हैं, मैं सनी से प्यार करती हूँ, और सनी ये बोल रहा है कि देखो मानसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मानसी इज़ द सेकेंड वाइफ और रूप उसकी पहली वाइफ है, तो रूप तो अभी मेरे लिए रो रही है, रूप को तो मैं मना लूँगा, वो मेरे साथ आ जाएगी, तो हम अप्पा तीनों खट्टे साथ रहेंगे। अरे यार फिर से
मतलब ये क्या चल रहा है, कौन है भाई, ये लोग कहाँ से आते हैं? और ये मेरे को समझ नहीं आया, जब बंदा पहली के साथ नहीं रह पाया, दूसरी ले आया, तीसरी वाली की मत मारी, ये मेरे को तो लगता है लड़कियां ही गंवा रहे हैं। वो ऑफिशियली अलाउ कैसे कर रखा है, शादी नहीं की ना अभी उसने, तीसरी दूसरी भी नहीं अलाउड। हाँ पर दोनों बीवियों को एतराज नहीं है ना, हिंदू समाज के अंदर तुम दो शादियां एक साथ नहीं कर सकते। इट्स वेरी लॉजिकल। अब अरमान ने भी अपना नाम और पूरा वो चेंज किया है, उसके बाद उसने सेकंड शादी की है। बट अब ऐसे ही जैसे अब अरमान मलिक ने कर रखी है, बट उसने चेंज किया यार अपना पूरा चेंज किया। उसने पूरे पता नहीं हिंदू जो कृतिका की भी शादी है ना, पूरे फेरों वाली शादी के निकाली शादी की, बट अरमान मलिक उसने अपना वो क्या बोलते क्या पता, तो उसने जब शादी करी हो तो अब उसने नाम चेंज कर लिया, उसने अब यहाँ सनी सिंह अपना यूट्यूब पे ले नाम रखा हो, नाम यूट्यूब के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। देखो आई डोंट नो, लोग ऐसे ही करते हैं, मुझे वो भी नहीं पता। तो भाई ये लोग मेरे को तो समझ नहीं आते कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इतना दिमाग आ रहा है, कैसे कर लेते हैं पैसा। और कैसे लड़कियां एग्री हो जाती हैं यार करवाने की अपने पति की शादी, भाई पैसा, अरे पैसे के ऊपर कंटेंट ये भी तो है ना, कैसे तुम अपने पति को शेयर कर सकते हो, पैसा सब इकट्ठे रहेंगे, ये क्या लॉजिक है? ऊपर से पहली बीवी से उसको लड़की भी है। अब एक बात बताओ, हाँ। दो बीवी दिखाते हैं, तीन बीवी दिखाते हैं, रियल में किसको पता है किसकी है किसकी नहीं है? व्लॉग में जितना दिखाते लोगों को उतना ही पता है भाई, पर तुम एक गलत मैसेज दे रहे हो भाई। मैसेज से गड्ढा फर्क नहीं पड़ता लोगों को आजकल। आज देख, आज हमारे ना नूवी में एक मैसेज आया, अच्छा खासा बड़ा मैसेज था इन इंग्लिश एंड इन गुड इंग्लिश, आई एम नॉट सार्केज्म में नहीं बोल रही, बहुत जो एक्चुअली उनकी एक लाइन थी, आई डोंट नो वो हमारा ब्लॉग देखते हैं ऑब्वियसली देखते होंगे तभी उन्होंने लिखा है, लाइक कि मैं आपको बहुत टाइम से ब्लॉग देख रहा हूँ, वो इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, मैं आपका ब्लॉग बहुत टाइम से देख रही हूँ, आई डोंट नो इसकी एक चीज़ जो मुझे एक्चुअली कंटिन्यूसली जो मैं देख रही हूँ और जो अच्छी लगी वो ये है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है, वो अपने कॉन्टेंट में अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, लाइक व्यूज बढ़ाने के लिए वल्गैरिटी या फिर ऐसी कोई चीज़ कर ही देते हैं जिससे लोग व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाएं। बट एज पर यू गाइस, जब से हम आपका व्लॉग देख रहे हैं, हमें एक ही चीज़ अच्छी लगी कि आप जो है रियलिटी दिखाते हो या फिर जो हो रहा होता है वो दिखाते हो, बट इन अ गुड वे दिखाते हो, जो चीज़ हम एक्चुअली फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। इतना टाइम हो गया, मैंने आज तक ऐसा कोई ऐसा वल्गैरिटी या फिर इस लेवल की कोई चीज नहीं देखी कि हाँ भाई हम एक बार के लिए बोले नहीं यार आगे बढ़ा दे। तो हम एज पर देम वी आर द एग्जांपल ऑफ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यार मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मेरी उम्र ना खाली खत्म हो जाए मेरी 100 के लाने में क्योंकि लिटरली मेरे पास लगता है हम व्लॉग बना रहे हैं, ऑफकोर्स हमारे पास टाइम नहीं होता, बट ऑफिस से आने के बाद हम जो भी करते हैं वो ट्राई करते हैं आपको दिखाने का। एंड एक छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं ना इंसान के करने के, मेरा एक ड्रीम है 100K हो, और मेरा एक ड्रीम एक्चुअली उतना ही है कि मुझे सिल्वर बटन चाहिए ए वी शर्मा के नाम का। मेरा अभी तक वो ड्रीम भी नहीं है कि मैं गोल्ड बटन के लिए सोचूं भी, मेरा सिल्वर बटन पे ही मन अटका हुआ है। 20,000 नहीं हो रहे यहाँ, तुम गोल्डन पे पहुंच रहे हो। नहीं तो लोग सोचते हैं ना भाई गोल्ड आना चाहिए, डायमंड आना चाहिए, भाई मेरा बहुत छोटा सा ड्रीम है और ये अब काफी टाइम से ही है, जब से हमने स्टार्ट किया था, चाहे 3-4 साल हो चुके हैं करे हुए चैनल स्टार्ट किया। चैनल तो बहुत पुराना है, बट हमने ब्लॉगिंग 2 साल से स्टार्ट की। ब्लॉगिंग से पहले भी जब मैं डांस वीडियोस भी बनाती थी ना, मैं तब से ही मेरा दिमाग में यही था कि जब हमने चैनल स्टार्ट किया था कि भाई, क्योंकि जब मैंने लोगों का ये देखा था और मुझे लोगों का देख के वो इंस्पिरेशन सी मिली यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, कि मुझे भी ये सिल्वर बटन चाहिए जिसपे नाम हो। तो मेरे को लगता है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं बहुत ही धीरे चल रहे हैं, हम कछुए से भी बहुत धीरे हो गए हैं, बट इट्स ओके गाइस। मेरे को लगता है अब एक रील देखी थी कि कौन सा गाना है वो, कौवा मोती खाएगा हंस चूहे का दाना, कौवा मोती खाएगा हंस चूहे का मोती नहीं, हंस राम राम सिया कहेगा, नहीं रामचंद्र कहेगा सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चूहे का दाना और कौवा मोती खाएगा। तो इट्स लाइक हंस जो मतलब अच्छा कंटेंट जो लोग बनाते हैं या फिर जो बहुत लोग फेमस हो गए, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो धीरे धीरे काम कर रहे हैं उनको ना लोग पसंद नहीं करते, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, और लोगों को पता नहीं कैसे और लोग और फालतू वाले लोग कैसे पसंद आए तो उनको सब्सक्राइब भी कर लेते हैं लोग, बट और जो ऐसे घटिया कंटेंट बना रहे होते हैं जो कुछ भी दिखा रहे होते हैं, और लिटरली मैं जैसे हम सनी और ये दो बीवी वाली बातें कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ राइट कंटेंट टू शो टू पब्लिक, वो भी हमारे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियंस को माना जाता है, बहुत सारी चीज़ों को माना जाता है,
और हम एनीवेज कोई फॉरेन कंट्री में नहीं रह रहे, हमारे रिचुअल्स हमारी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा अलग है बाकी जगहों से। तो जहाँ पे इन सब चीज़ों को देख के ना हम अपने बच्चों को, हम लिटरली आप खुद भी सोचो कि क्या आप अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाओगे, क्या आप ही अपने बच्चों को अलाउ करोगे भाई तू दो शादी कर ले या फिर तू बेटी जा ऐसे पति से शादी कर ले जिसकी ऑलरेडी बीवी हो। भाई मैं अपने बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल अलाउ मैं खुद ही नहीं करूँगी पहली बात तो, और मैं अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी देखने तक ना दूँ। तो ये वही चीज़ें अजीब सी हो जाती हैं, और वो हंस, ये जो ना हंस चुकेगा दाना कौवा मोदी खाएगा, तो घटिया जो कंटेंट बनाते हैं लोग उनके एक्चुअली सब्सक्राइबर्स लेवल पे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी हाई लेवल पे हैं, तो हर जगह बढ़िया बढ़िया हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी, ट्रुथ ऑफ यूट्यूब, ट्रुथ ऑफ इंस्टाग्राम, ट्रुथ ऑफ फॉलोवर्स एंड वट एवर इट इज़। एनीवेज तो इसी सच्चाई के साथ हम करते हैं हमारा प्यारा सा सच्चाई वाला व्लॉग खत्म, और आज तो मज़ा आ गया, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ, क्या करने गए थे क्या से क्या हो गया देखते देखते गाइस, क्या से क्या हो गया देखते देखते ये गाना ये हुआ है। ओके बाय, गुड नाइट टूडल्स, कल मिलेंगे आपको फिर नई चीज़ों के साथ, तब तक आपको क्या करना है, लाइक शेयर कॉमेंट and subscribe to our channel. Also, don't forget to follow us on Instagram. Description pe is our link. Bye-bye. Good night, toodles. Kichi kichi goose. I love you. Thanks. Bye-bye.